स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्लास ट्वेल्थ संस्कृत के गद्य गरिमा में से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स देकर आएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम बताएंगे इस वीडियो में कि आप लोग संस्कृत में संदर्भ कैसे लिख सकते हैं और उसका अनुवाद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सह संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है सह संदर्भ, तो इससे आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि कैसे आप लोग संस्कृत में संदर्भ लिख सकते हैं और उसका अनुवाद कैसे कर सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं कि हम इसे बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में अपने अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो और यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप अपनी तैयारी एक्सलेंट तरीके से कर पाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ये देखिए मैंने प्रश्न संख्या 8 डाला हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए ये 8वें नंबर पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बात हम आपको बता दें कि इसमें आपको अथवा करके करना रहता है, ठीक है। आपको दो तरीके से दिया रहता है, आपको अथवा करके, आप चाहें तो फर्स्ट वाला कर सकते हैं, आप चाहें तो सेकंड वाला कर सकते हैं। आपको जिस मतलब जो भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हुए हैं, आपको जिस मतलब ये लग रहा है कि ये आपको आ रहा है, पता है कि किस चैप्टर से है, तो आपको फर्स्ट वाला कर लेना चाहिए और यदि आपको सेकंड वाला आ रहा है तो सेकंड वाला कर लेना चाहिए। लेकिन हम आपको इसमें फर्स्ट वाला बताएंगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने प्रश्न संख्या पहले सबसे पहले आपको 8 डालना है, उसके बाद उत्तर डालना है और इसमें लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यदि आप लोग ये वाला पैराग्राफ कर रहे हैं तो आपको इसके फर्स्ट से कुछ 2-3 लाइन उठा लेना है और यहाँ से थोड़ा सा लास्ट में से 2-3 लाइन उठा लेना है। और यदि आप लोग ये वाला कर रहे हैं तो इसमें से थोड़ा सा फर्स्ट वाले में से फर्स्ट लाइन में से थोड़ा सा ले लेना है 2-3 शब्द, और सेकेंड वाले में से मतलब सबसे लास्ट वाली लाइन में से 2-3 शब्द ले लेना है, ठीक है। तो आपको जो आता हो बोर्ड एग्जाम में आप लोग वही कीजिएगा। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है 2-4 शब्द लिख के, उसको एड्रेस करके आपको ये लिख लेना है, ठीक है। तो अब देखिए संदर्भ, आपको सबसे पहले उत्तर डालना है, उसमें संदर्भ लिखना है और आपको लिखना है उसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषायाम महत्तम नामक पाठ से उद्गृत है या अवतरित है। आप ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग देखिए, ये संस्कृत भाग मैंने ब्लैक पेन से डाला हुआ है, तो आप लोग भी इसको ब्लैक पेन से डालिएगा और इसको इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, मैंने ये चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर से दिया रहता है उस चैप्टर का नाम लिखना होता है, तो आपको चैप्टर का नाम अभी ब्लैक पेन से डालना होता है और इसको भी इन्वर्टेड कामा से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ये संस्कृत, ये देखिए संदर्भ हमारा क्लियर हो गया, हम बता चुके हैं, और ये अनुवाद, ये जो दिया रहता है पैराग्राफ, इसका अनुवाद लिखना होता है आपको, ठीक है। तो अनुवाद आपको आना चाहिए, नहीं तो यदि आप लोगों को अनुवाद नहीं आएगा तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अनुवाद आप लोगों को आना चाहिए। तो मैंने इस पैराग्राफ का अनुवाद करके दिखाया, इसमें ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डाल लेना है अनुवाद और उसमें आपको अनुवाद में लिख लेना है संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद और पद में लालित्य भावों का ज्ञान कराने की क्षमता और अद्वितीय कानों को प्रिय लगना है, अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा अन्य कोई नहीं, मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं, ठीक है। ये हमारा इसका इस पैराग्राफ का अनुवाद है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखना होता है, जिस पैराग्राफ ये का आपको पैराग्राफ दे दिया रहता है उसको आपको पहचानना होता है कि कौन से चैप्टर से है, तो उस चैप्टर का आपको संदर्भ में नाम लिखना होता है
ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि संदर्भ इस तरीके से लिखिएगा, आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। और अपनी राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग पर भी नंबर कटते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखिए, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।